हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अलीश शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉयड एक्सट्रीम। आज मैं आपको फ़ोन के कस्टमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जब कस्टमाइजेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो बात आती है वो ये होती है कि हमें अपने फ़ोन को रूट करना होगा। बट रूट करना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि रूट करने से आपके फ़ोन में OTA अपडेट आने बंद हो जाते हैं और साथ ही आपकी फ़ोन की वारंटी भी लेस हो जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 लॉन्चर्स के बारे में बताऊँगा। इस लॉन्चर से आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इन लॉन्चर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये मेरा फ़ोन है और मैं आपको फर्स्ट ऐप का रिव्यू करवाता हूँ और वो है एपस लॉन्चर। एपस लॉन्चर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलेंगे। प्ले स्टोर में जाके सिंपली आपको सर्च बार में एपस लॉन्चर टाइप करना और इस पर क्लिक करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एपस लॉन्चर थीम्स एंड बूस्ट, इस ऐप पर 100 मिलियंस डाउनलोड्स है और इसकी रेटिंग 4.5 की है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और इस ऐप का जो साइज़ है लगभग 10 MB है। तो मैं सबसे पहले इसको अपने फ़ोन में रन करके दिखाता हूँ आपको। रन करने के लिए सबसे पहले बेसिकली सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद होम बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली एपस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जब बाहर आएंगे तो आपका फ़ोन का इंटरफेस एपस लॉन्चर में बदल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एपस लॉन्चर बेसिकली एक अच्छा लॉन्चर है क्योंकि ये फास्ट है। अगर आपका फ़ोन की इंटरफेस काफ़ी लैगी रहता है तो ये आपके फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक इस ऐप की जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें बहुत सी आपको एड्स और न्यूज़ दिखेगी। अगर आप न्यूज़ देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए ऐप अच्छी है, वरना आप इसको सेटिंग्स में जाके डिसेबल भी कर सकते हैं। एपस लॉन्चर को आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे भी मोड पे ला सकते हैं और साथ वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो एपस लॉन्चर एक अच्छा लॉन्चर है अगर आपको एड्स और न्यूज़ देखने का शौक है। अब मैं आपको दूसरा ऐप बताता हूँ। दूसरे ऐप को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद होम बटन पे क्लिक करके सेकंड लॉन्चर पे क्लिक करना है। तो सेकंड लॉन्चर मेरा है बेसिकली येंडेक्स लॉन्चर। येंडेक्स लॉन्चर भी एक काफ़ी अच्छा लॉन्चर है। इसे लॉन्चर को डाउनलोड भी आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। बेसिकली मैं येंडेक्स लॉन्चर को एपस लॉन्चर से ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और ये लॉन्चर एपस लॉन्चर के तुलना में ज़्यादा फास्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके मेनू में सबके एक स्पेसिफिक फोल्डर बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गेम्स में जाना है तो गेम्स का अलग है, ऑल में आपको ऑल मिल जाते हैं, फ़ोटोज़ में आपको फ़ोटोज़ के टूल्स एक्सेट्रा मिल जाते हैं। एपस लॉन्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये फीचर देखने को नहीं मिलता। और इस ऐप का सबसे बढ़िया जो फीचर है वो ये है कि सबसे पहले आप ऑल में अगर जाते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे आइकन हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर व्हाट्सएप को फाइंड करना है तो मैं इन सब में मुझे उसकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि व्हाट्सएप का आइकन ग्रीन कलर का होता है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली ग्रीन कलर पर टैप करना है तो यहाँ पे ग्रीन करके जितने भी मेरे फ़ोन में आइकन है वो सब शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से सिंपली व्हाट्सएप के अंदर एंटर कर सकता हूँ। सो ये मैंने 2 लॉन्चर के बारे में बताया। अब मैं आपको थर्ड लॉन्चर के बारे में बताता हूँ, जो कि
मेरे प्रेफरेंस में सबसे अच्छा है और वो है नोवा लॉन्चर। इस लॉन्चर को भी आप सेटिंग्स में जाकर सिंपली डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कस्टमाइजेशन जो कर रखी है वह नोवा लॉन्चर से कर रखी है। नोवा लॉन्चर बेसिकली सबसे लाइट है और सबसे फास्ट है। नोवा लॉन्चर का मुझे सबसे जो बढ़िया फीचर ये लगता है कि बहुत से ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको स्क्रीन इशू होते हैं, जिसमें उनको अपनी स्क्रीन काफ़ी छोटी लगती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन टॉगल को यहाँ पर, जहाँ पे डेट, बैटरी परसेंट और यहाँ पर 4G एक्सेट्रा चीज़ शो हो रही है, आप इसको नोवा लॉन्चर के अंदर कस्टमाइज़ करके डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद लुक एंड फील पे जाना है। यहाँ से आप शो नोटिफिकेशन बार पे अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो ये सिंपली चला जाता है, तो इससे आपको एक बिगर स्क्रीन प्रोवाइड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरह इसी से कस्टमाइज कर रखा है। बाकी वॉलपेपर एसेट्रा में भी ये काफ़ी अच्छा है। नोवा लॉन्चर में प्रेफरेंस इसलिए भी देता हूँ क्योंकि इसमें सेटिंग में जाकर आप काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी और लॉन्चर में नहीं कर सकते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप में जाके काफ़ी काफ़ी आपको इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। एक्चुअली में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ये नॉर्मली ऊपर ऊपर से ही दिखाऊँगा। उसके बाद आप ऐप्स एंड विडगेट्स में जाके भी कार्ड बैकग्राउंड एक्सेट्रा को चेंज कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। डॉक्स पे भी आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्स के आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही आप आइकन का साइज़ भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लुक एंड फील में जाकर आप अपने फ़ोन में आइकन पैक को मार्शमैलो करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में और भी ज़्यादा आइकन पैक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, नोवा लॉन्चर को मैं रैंक 1 देता हूँ और सेकंड रैंक पर येंडेक्स लॉन्चर आता है, थर्ड रैंक पर एपस लॉन्चर आता है। तो इस तरह आप इनको प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए। अब कमेंट बॉक्स में जो आपको इसके बारे में लगता है, जो मुझे एक्चुअली में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक्चुअली में मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।